Hey everyone, welcome back to the channel. My name is Kirti and thank you so much for tuning in. So आज का जो video है उसमें आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ कि हम लोगों ने इन ईद की छुट्टियों में क्या क्या किया. एक्चुअली हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया एंड आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू ऑल. सो सबसे पहले तो ईद मुबारक टू ऑल द वंस हु सेलिब्रेटेड इट एंड टू ऑल द वंस हु इन्जॉयड इट लाइक अस. सो सिंस वी डोंट सेलिब्रेट बट वी डू इन्जॉय इट एंड बहुत ही मज़े की हम लोगों ने इन छुट्टियों में. सो छुट्टियाँ बेसिकली 4 दिन की थी एंड फ्राइडे की ईद थी. सो हम लोगों की छुट्टियाँ हो गई थी शुरू थर्सडे से एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे और आज है मंडे और मैं आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज इससे पहले मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला शूट करने का. सो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी द गैलेक्सी दैट वी सॉ इन द मिडल ऑफ द नाइट. वी वेंट अवे काफ़ी दूर हम लोग जाके डेजर्ट में हम लोगों ने कैंपिंग करी थी और वहाँ पे हम लोगों ने गैलेक्सी देखी बहुत ही सुंदर. सो जितने भी वीडियोज थे हमारे फ्रेंड्स के भी मैंने सारे मंगवा लिए बिकॉज मैंने मेरे फोन से कुछ शूट नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे लोग शूट कर रहे थे. कुणाल ने भी काफ़ी बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करी सो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड उसके अलावा वी डिड सम शॉपिंग एज वेल. सो गाइज डोंट स्किप द वीडियो एंड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. मैं आपको बहुत ज़्यादा सुंदर जगह दिखाने वाली हूँ आसमान में. जो पहला एक्सपीरियंस था हम लोगों का हमने तारे देखे थे बट ऐसे गैलेक्सी इतनी बड़ी एक साथ हमने कभी नहीं देखी थी. एंड सेकेंडली वी सॉ अ लॉट ऑफ शूटिंग स्टार्स. हम लोगों ने काफ़ी सारे देखे बट कुछ उसमें था कि ये गैलेक्सी शूटिंग स्टार्स नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट. भैया हम तो शूटिंग स्टार मान के चलेंगे और हमने तो अपनी विश मांग ली. सो यही था. तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग डोंट स्किप एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग. और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज हम लोग निकले थे अराउंड 5ish एंड वी आर एट द पेट्रोल पम्प जहाँ पे हमारे सारे फ्रेंड्स आके मिलने थे. और हम लोग अपने घर से ही सारा सामान लेके गए थे एंड पेट्रोल पम्प से हमने कुछ वुड लॉग्स कलेक्ट किए एंड उसके बाद हम लोग बस निकल गए थे अपनी जर्नी के लिए. और पहुँचते पहुँचते ना बिल्कुल रात हो गई थी. वी वॉन्टेड टू रीच कि हम सनसेट भी वहाँ से देख सकें बट हम लोग लेट हो गए और पहुँचे वहाँ पर. उसके बाद हम लोगों ने कैंप फायर किया वहाँ पर. बच्चे सारे बैठ गए थे आराम से एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेदर था इस टाइम पे. सो बाकी के जो चीज़ें हैं ना लाइक हम लोग कहाँ गए थे उसकी पिन लोकेशन एंड व्हाट ऑल डिड वी पैक तो वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. और हम लोगों ने टेंट्स वगैरह भी वहाँ पे लगा लिए थे. सो हम लोगों का सेटअप कंप्लीट भी नहीं हुआ था एंड समबडी आस्क्ड फॉर हेल्प द मोमेंट वी रीच देयर क्योंकि उनकी कार जो है सॉफ्ट सैंड में फंस गई थी एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू टेक इट आउट. तो यहाँ पे कुणाल और हमारी कुछ फ्रेंड्स दे वर हेल्पिंग देम टू टेक इट आउट. मीनवाइल हम लोगों ने उसके बाद जो है चाय वगैरह बनाई. सारा सामान हम लोग घर से लेके गए थे एंड अ फ्यू पीपल वर आस्किंग मी अबाउट द वॉशरूम. सो भाई डेजर्ट में वॉशरूम वगैरह का सिस्टम तो होता नहीं है तो आप लोगों को झाड़ियों का यूज़ करना पड़ता है या फिर यू पार्क योर कार्स इन सच अ वे दैट इट गिव्स यू लिटिल बिट ऑफ प्राइवेसी. और यहाँ पर प्लीज़ स्पॉट द शूटिंग स्टार्स दैट वी सॉ. कुछ आपको ज़रूर दिख जाएंगे यहाँ पर. और गैलेक्सी के पिक्चर्स ना मैं आके इंसर्ट कर दूंगी वीडियो में तो आप लोग स्किप मत करना. एंड उसके अलावा हम लोग सो गए थे थोड़ी देर. उसके बाद 3:30 बजे के आसपास हम लोगों ने गैलेक्सी स्पॉट की. उसके बाद हम फिर से सो गए एंड दिस इज़ द सनराइज दैट वी सॉ. हम लोग सबसे लेट उठे एंड यू कैन सी आई एम लुकिंग सो टायर्ड बिकॉज पूरी रात में से आई थिंक मैं 1 घंटा सोयूंगी एंड सो डिड एवरीबडी एल्स. तो अब हम लोग यहाँ से पैक करके वी ट्राई टू हेल्प द अदर गाइज अगेन बट उनकी कार नहीं निकली एंड अल्टीमेटली they had to call Abu Dhabi police to take it out. और बस अब वापस जाने का यहाँ पर टाइम हो गया है. और बहुत ही सुंदर यहाँ पे सैंड ड्यून्स बने हुए थे. सो हम लोग वैसे तो राजस्थान से हैं वी सीन सैंड ड्यून्स बट ये अलग ही लेवल बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे. गाइज आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग द गैलेक्सी. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना. बट अभी के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या क्या शॉपिंग करके लाए. सो दिस वीडियो हैज़न्ट एंडेड येट. आई एम गोइंग टू शो यू वॉट ऑल डिड वी बाय फ्रॉम मैक्स. सो यहाँ सिलिकॉन सेंट्रल से ही हम लोगों ने ये सारा सामान लिया है एंड एवरीथिंग आई थिंक सम ऑफ द थिंग्स वर ऑन डील्स एंड सम ऑफ द थिंग्स वर लाइक फुल प्राइस. सो हम लोग को लेना था
कविश के लिए एक येलो डे का येलो टी शर्ट, तो हम लोगों ने वो लिया। उसके अलावा हमने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी। तो पहला है ये, दिस इज़ अ टी शर्ट फॉर काव्या, और उसके लिए भी अब समर्स आ रहे हैं, सो आई हैड टू बाय अ फ्यू थिंग्स न्यू। तो एक ये शॉर्ट्स लिए हैं काव्या के लिए, बिकॉज लेटली उसको शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे हैं। सो एक इस तरीके का एक पेपर, ब्राउन पेपर बैग टाइप का इसको कहते हैं कुछ, आई डोंट नो, पेपर बैग शॉर्ट्स। सो एक हम लोगों ने ये लिया उसके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक मैंने इस तरीके का बंच लिया है ऑफ हेयर टाइज। देन वी गॉट सॉक्स फॉर कविश। उसके अलावा बहुत ही सुंदर क्रॉप टॉप्स आए हुए थे काव्या की एज ग्रुप की गर्ल्स के लिए। सो यहाँ पर हम लोगों ने ये एक छोटा सा क्रॉप टॉप लिया उसके लिए। उसके अलावा वी ऑल्सो गॉट दिस वन, उसको पिंक पैंथर बहुत ज़्यादा पसंद है। सो एक ये लिया, और कविश के येलो डे के लिए हम लेने ये गए थे एंड वी एंडेड अप बाइंग ऑल ऑफ दीज। सो एक कविश का येलो डे का ये मैंने लिया है। उनके स्कूल में इस तरीके के कलर डे सेलिब्रेशंस होते रहते हैं। ये हमने एक सॉक्स का पैक लिया, पैक ऑफ सिक्स फॉर काव्या, एंड देन अगेन वी गॉट अ क्रॉप टॉप फॉर काव्या। तो बहुत सारे तीन क्रॉप टॉप उसके लिए ले लिए, एंड जो शॉर्ट्स हैं उसके साथ पहनने के लिए वी गॉट दिस वाइट टी शर्ट। सो दिस इज कुनाल्स बटन शर्ट। मैंने कुछ नहीं लिया, ऐसा बहुत कम होता है, बट हुआ ऐसा मुझे कुछ पसंद नहीं आया बेसिकली मैक्स पे, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। उसके अलावा वी ऑल्सो गॉट दीज पेयर ऑफ शॉर्ट्स फॉर कुनाल। सो ये था ये, एंड आई ऑल्सो गॉट दिस सुइंग किट फॉर माई सेल्फ। मेरा पुराना वाला जो है उसमें सामान खत्म हो गया था, तो मैंने नया ही ले लिया ये। सो ये थी हमारी शॉपिंग फ्रॉम मैक्स। उसके अलावा वी ऑल्सो वेंट टू होम सेंटर, जहाँ से मुझे ये वाले ग्लासेस लेने थे। सो इसमें नीचे इस तरीके से गोल्डन ओम्ब्रे इफेक्ट है, आई विल शो यू। ये ना मैंने ओमान में देखे थे जब हम मामा जी के घर गए थे ना, तब उनके पास भी थे, सो मैंने वहाँ देखे थे एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, तो तब डील में नहीं थे, अभी मैं डील में लेके आई। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। इसमें नीचे ही इस तरीके से ओम्ब्रे इफेक्ट है, एंड बहुत ही सुंदर मुझे लगे थे। इसमें एक सिल्वर कलर भी है, सो आई थिंक 79 के थे, जो मुझे अब 59 के आई थिंक, या हाँ 59 के मिले, विच वॉज अ गुड डील। मुझे बहुत टाइम से चाहिए थे ये वाले, तो कुनाल ने देखे एंड ही वॉज लाइक कि चलो ले लो, तुम्हें पसंद तो है ही, एंड वी ऑल्सो वी डिड नीड ग्लासेस, बट हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, हमने ले लिए। सो ये थी सारी की सारी शॉपिंग। इसके अलावा हमने दो चीज़ें और ली विच वी आर प्लानिंग टू गिफ्ट, आई एम नॉट शोइंग यू हियर बिकॉज जिनको दे रहे हैं वो भी मेरे वीडियोज देखते हैं एंड दे विल नो वॉट वी गॉट फॉर देम। सो आई थिंक या मतलब एक्चुअली मैं इधर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि अभी तक सारा सामान जो है ना बाहर ही रखा हुआ है। अच्छा, कैंपिंग की जो चीज़ें थी ना जो हम लोग लेके गए थे, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए पूरी लिस्ट रख दूंगी, तो यू कैन टेक अ रेफरेंस। और जहाँ जिस लोकेशन पे हम गए थे ना, उसका भी मैं गूगल पिन डाल दूंगी। सो अभी तो मौसम अच्छा है, यू कैन गो टू, बट यू कैन गो ऑन अ वीकेंड एंड यू नो स्पेंड द नाइट। और टेंट्स वगैरह हमने कारफोर से लिए थे, डी कैथलॉन में भी अवेलेबल है, बट हम लोगों ने कारफोर से लिया था क्योंकि वहाँ पे सस्ता था। और बस बाकी सारी चीज़ें भी जो जो आपको चाहिए, एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेना, यू विल गेट ऑल द आंसर्स दैट यू वॉन्टेड टू नो। सो गाइज, यही तक था आज का वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट, एंड इफ यू डिड प्लीज हिट द लाइक बटन, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कीप मेकिंग सच वीडियोज फॉर यू ऑल। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और यहाँ तक पहुँच गए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई मेक रूटीन डेली व्लॉग्स एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय, जय राम जी की।